सर मेरा नाम है अज़र हुसैन, हम संभल इंद्रकूट में रहते हैं, बनमाला में, वार्ड 11। सर पानी का मसला है, पिछले 5-6 साल से हमें यहाँ पे हमारी जो औरत है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पानी के लिए। आप देख सकते हो विजिबल प्रॉब्लम है, जो टंकियाँ लगाई है जगह जगह पे, और हालांकि जो पानी निकल रहा है हमारे गांव से ही निकल रहा है, बाकी गांव को शिफ्ट हो रहा है पानी, वो तकसीम किया गया बाकी गाँवों को, लेकिन हमारे लिए पानी नहीं आ रहा है। बहुत ही दिक्कत आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है सर। यहाँ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, हमने पिछले 5-6 बार हमने किया यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, ऊपर से हमको मारा भी गया उधर कॉलोनी में, पिटाई भी की हमको उधर, यही मसला है सर हमारे। चाहते हम पानी है सर, इस मसले पर गौर किया जाए सर, ये ठीक किया जाए ये मसला सर। पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें पानी इधर से ही निकल रहा है सर, यहाँ से ही तकसीम होता है, नावगाम इतना बड़ा एरिया है, यहीं से पानी जाता है, संभल को भी, आधे संभल को भी यहीं से पानी जा रहा है सर, लेकिन हमारे इलाके को पानी नहीं आ रहा। जो यहाँ की फिटिंग की गई है पाइप फिटिंग, उसमें से पानी रोका जा रहा है, वो बाहर दूसरे गाँवों को छोड़ा जा रहा है सर। मेरा नाम है निसार अहमद डार, मैं अंदरकूट बोनमाला में रहता हूँ। क्या पानी का है, पिछले 10 सालों से हम तरस रहे हैं पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। तकरीबन हमने 5-6 बार प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। एक बार हमने प्रोटेस्ट किया और हम तकरीबन 7 बंदों को केस भी जारी किया गया है, 7 बंदों को भी केस भी दर्ज किया, अभी तक वो केस भी नहीं काट गया। चाहते हैं हम पानी, बस पानी चाहते हैं। पिछले आज 2021 चल रहा है, फिर भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। डीसी साहब के पास भी गए, वो कोई कदम नहीं उठा रहे उस पर। हमने 4-5 बार प्रोटेस्ट भी किया और संभल कॉलोनी में भी। पानी चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। रोजा अंदरकूट बंदमहला लाल अहमद डार, द्रामित आब अन मजबूरी हज, आब हाँ कहें मे माज फुट जंग नर तब सर सर बहु बसान चढ़ाई निश कम हको मोहमूली कम जहाज पकन गर मोल मोज बो तम मजूर पान आमुत आब द्रामुन हेको बहुत आब। ये जो अंदरकूट एरिया है संभल टाउन का, ये टेल पोर्शन है। किल्लत यूजुअली हर एक इलाके में, आज जो गर्मी के मौसम होते हैं 1-2 महीने, इसमें ड्यू टू लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है पानी की, और उसकी वजह से टेल एंड्स में कभी कभी शॉर्टेज होती है। तो उसको हमने ओवरकम करने के लिए ऑलरेडी टैंकर सर्विस इन प्लेस की है। ऑलरेडी हमारा एक डेडिकेटेड टैंकर दिन में 2-3-4 बार पानी डालता है, और कहीं भी ऐसा पानी की इतनी शिद्दत नहीं है कि पानी के बगैर कोई हाउस होल्ड है। उसके बाद भी हमने डिजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर रखे हैं, मेरा अपना नंबर है, और किसी को भी पानी की अशद ज़रूरत होती है उसके लिए हम टैंकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने थे बोला था, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन ऑफ लाइन हो रही है, जो हमें जेजेएम में टेकअप नहीं हो रहा टाउन अभी, वो तो हमें अमृत प्रोग्राम में हो रहा है, जो अंडर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फंड कर रहा है, उसके लिए हमने अपग्रेडेशन के लिए अपना प्रोजेक्ट भेजा है। वो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हो जाएगा, उनकी अपग्रेडेशन लाइन हो जाएगी, जो बहुत पुरानी है उनको अपग्रेड करके, क्योंकि नई बस्ती आई है, हर साल में 10-20-30 हाउस होल्ड्स बढ़ते हैं, तो वो टेल एंड्स पे पानी नहीं पहुंचता है, तो उन लाइंस को हम अपग्रेड करके ये परमानेंटली ये इशू सॉल्व करेंगे विद इन करंट सीज़न। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर उनको पानी नहीं आ रहा तो ज़िंदा कैसे हैं। तो आप, मैंने परसों खुद सरप्राइज विजिट करके डी साहब के साथ, हर एक हाउस होल्ड में पानी था, ऐसा नहीं है। हाँ, सर्विस लेवल कम हो सकती है एंड पे, ऊपर पानी नहीं चढ़ता है, लेकिन आंगन में, हर एक के आंगन में पानी आता है, सर्विस लेवल कम है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं है वो सच नहीं है। अगर कहीं है भी ऐसा इशू, कभी यहाँ पे जो सुमल सोनावारी में, यहाँ हमारा सारा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारा वाटर सप्लाई भी इफेक्ट होता है, तो उस टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उस टाइम वाटर लिफ्ट नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है जब लाइट नहीं हो तो पानी कैसे होगा, तो उस वजह से हमें उस टाइम ज़्यादा टैंकर्स भेजने पड़ते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सप्लाईज हम छोड़ते हैं, हमारा 10 लाख गैलन का पानी आता है यहाँ से, जो यहीं संभल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर नहीं होता तो कहाँ जाता है। तो खाली एक मोहल्ला है अंदरकोट, हमारे पास 4 टैंकर्स है, वो यूजुअली 20-25 ट्रिप्स डालते हैं। अगर ये जो हमारे मुहर्रम एरियाज है जहाँ ये प्रोसेशन निकलते हैं, वहाँ हम 15-16 ट्रिप्स डालते हैं दिन में, और ड्राइवर कोई भी, आपको मैं दिखाऊंगा, जियो टैक स्पोर्ट्स पे हमारे ड्राइवर्स 11 बजे 12 बजे भी रात को पानी डालते हैं, सुबह 7-6 बजे से पानी स्टार्ट करना डालते हैं।
अब ये है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उतना हम कर रहे हैं, और लोगों को भी चाहिए वो पानी का सही इस्तेमाल करें, जो पीने का पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल करें। देखा गया है कि आजकल गर्मियों में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, किचन गार्ड्स में पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज है। क्योंकि हमारा तो अभी वेदर का ऐसा है कि अभी बारिश नहीं हुई, तो हर एक के घर में सब्ज़ी होती है, वो किस पे उगती है? अगर बारिश नहीं उगती उनको और कोई सोर्स नहीं है यहाँ संभल में, वो इसी का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम ड्राइव भी कर रहे हैं, वो इलीगल बूस्टिंग हटा रहे हैं लोगों के घरों से, उस पर एज़ पर जेएनके वाटर सोर्स एक्ट जो भी उन पे नेसेसरी एक्शन होती है वो करते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है वो इन महीनों में पानी का जुडिशियसली इस्तेमाल करें। बाकी रही बात डिपार्टमेंट की, हमने टेकअप किया है अंडर प्रोजेक्ट, वी हैव टू आल्सो फॉलो सम कोडल प्रोसीजर्स। उसमें हमने DPR बनाया है अंदर अमृत 2.0 प्रोग्राम, जिसमें हम टाउन को अपग्रेड कर रहे हैं। बाकी जो बाकी एडजेसेंट एरियाज हैं उनमें जल जीवन मिशन में अराउंड 160 करोड़ हमारे संभल ब्लॉक में खर्च हो रहे हैं, जिसमें हम 22 ओवरहेड टैंक्स बना रहे हैं, 13 फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहे हैं, 12 इनटेक्स हम बना रहे हैं, अराउंड 500 किलोमीटर पाइप नेटवर्क डाल रहे हैं, जिसकी तादाद आज देखें तो 80-85% हमारा कंप्लीटेड है। विद इन 2-3 मंथ्स ये सारा प्रोग्राम मुझे लगता है जल जीवन मिशन अप टू एंड होगा, तो हर एक को रूरल एरिया में पानी मिलेगा जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं एज पर JG। سارے موہن